गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम अगेन टू दिस सोशियोलॉजी क्लास एंड कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, कल्चरल चेंज. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ सेकुलराइजेशन एंड सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन, है ना. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सम शॉर्ट नोट्स, है ना. क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि राइट सम शॉर्ट नोट्स ऑन दिस एंड दिस, है ना. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम शॉर्ट नोट्स, है ना. फर्स्ट इज राइट्स एंड सेकुलराइजेशन. राइट्स मीन्स सेलिब्रेशन, रिचुअल्स, सेक्रामेंट्स. एंड द सेकुलराइजेशन मीन्स a process whereby religious thinking, practices, beliefs and institution lost social significance. Okay, it usually means a process of decline in the influence of religion. Kya means secularization ka? Ek aisi process hai jisme कैसे हम कह सकते हैं कि जो रिलीजन है उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगता है. ठीक है, क्यों होने लगता है कम? बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, है ना. लोग चीजों को साइंटिफिकली, है ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था, जब इंडिया मॉडर्न हो रहा था, या फिर हम कह सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस इंडिया पे बहुत ज्यादा हो रहा था, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा था, तो लोग हर चीज को, टेक्नोलॉजीज आने लगी थी, तो लोग चीजों को किस चीज पे देखने लगे थे, साइंटिफिकली, है ना, और उनको लॉजिकली क्वेश्चनिंग करने लगे थे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, है ना. तो इसलिए जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम हो रहा था. ठीक है. इंडिकेटर्स of secularization have referred to levels of involvement with religious organizations. The social material influences of religious organization and the degree to which people hold religious beliefs. और क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता चले कि सेकुलराइजेशन का इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है और इन्फ्लुएंस जो है रिलीजन का वो कम हो रहा है ना. इन्वॉल्वमेंट विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कैसी हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा. जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया लाइक चर्च अटेंडेंस, वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है. ठीक है. द सोशल एंड मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. सोशल और मटेरियल चीजों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है किस पे? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पे. ठीक है. एंड द डिग्री टू विच पीपल होल्ड रिलीजियस बिलीफ, और कितना हद तक लोग बिलीव करते हैं अब भी रिलीजियस बिलीफ्स में, कितना बिलीव करते हैं, कितना अभी भी जो धार्मिक चीजें हैं उनको मानते हैं लोग अभी भी. तो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ सेकुलरिज्म, कि कितना इन्वॉल्वमेंट है अभी भी किसका, रिलीजन का, किस पे, सोसाइटी पे, है ना. बट द जनरल अजम्पशंस दैट मॉडर्न सोसाइटीज आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेकुलर मे नॉट इंटायरली बी ट्रू. बट द जनरल अजम्पशन, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मॉडर्न सोसाइटी में सेकुलर बिल्कुल, मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल ही सेकुलर हो चुकी है और उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज या रिलीजियस बिलीफ बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं. ये भी पूरा सच नहीं है, है ना. क्या आपको ऐसे लगता है कि रिलीजियस बिलीफ्स कम हो रहे हैं? नो ना, मुझे तो नहीं लगता कि रिलीजियस बिलीफ कम हो रहे हैं, मुझे तो लगता है कि और भी ज्यादा हो रहे हैं, है ना. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रिलीजन, यहां तक कि जबकि हमारी जो पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है उसमें भी यह है कि सेकुलराइजेशन के को लिया गया है और उसमें कहा गया है किसी को भी जो रिलीजन है उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये है ना. लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पॉलिटिक्स में रिलीजन को लेकर होती है ना. अ
considerable part of ritual in India has direct reference to the pursuit of the secular ends. ये देखो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो reference जो direct reference देती हैं किस चीज का secular ends का और जो कि religion से बिल्कुल directly attached हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी rituals हैं. Rituals have secular dimensions. For example, they provide men and women occasions for socializing with their peers and superiors. Rituals provide कराती हैं. Rituals have secular dimensions. Rituals के भी secular dimension, जैसे कि वो लोगों को socialize होने का मौका देते हैं, ठीक है ना? Provide कराते हैं occasions men और women के लिए, जिससे कि वो socialize कर सकें, किसमें? अपने peer groups में, अपने superiors के साथ, अपने peer groups के साथ, है ना? They get an opportunity to show off family's wealth, clothing and jewelry. They get an opportunity. और क्या provide कराते हैं? उनको एक opportunity provide करते हैं to show off family's wealth and clothing and jewelry, like marriages or functions होते हैं जिनमें कि लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपनी शान और शौकत दिखा सकें, है ना? इसका मतलब ये है कि rituals को follow करना एक बहाना होता हो गया है आजकल, और इसका जो कह सकते हैं कि इसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है? शो ऑफ करना, है ना? फैमिली वेल्थ, क्लोथिंग, ज्वेलरी, ये सब कुछ शो ऑफ करना होता है, ठीक है? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स इन पर्टिकुलर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्टेटस डाइमेंशंस ऑफ रिचुअल हैव बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉन्स्पिशियस. हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों से तो और भी ऐसा हो रहा है कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कह सकते हैं कि सोशली, स्टेटस वाइज भी कह सकते हैं कि स्टेटस शो करने के लिए, या फिर पॉलिटिकली इश्यूज हैं, या फिर इकोनॉमिकली अपने आप को शो करने के लिए जो रिचुअल्स को फॉलो करना है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है ना. रिचुअल्स को सेलिब्रेट करना और भी ज्यादा बढ़ रहा है विशेष रूप से, है ना? हम ये कह सकते हैं. अब आप इसका एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं, जो कल श्री राम जन्मभूमि पे जो अनुष्ठान हुआ, वो भी तो रिचुअल्स से रिलेटेड है ना. तो कम कहाँ हो रहा है ना? हम ये नहीं कह सकते कि सेकुलराइजेशन आ गया है तो पूरी तरीके से जो इन्फ्लुएंस रिलीजन का वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है सोसाइटी में, ऐसा तो नहीं है ना. तो बच्चों, हमें इस तरीके से ये जो शॉर्ट नोट्स है उसमें दोनों चीजों को रखना है, जो जो जैसे हमें ये दिया हुआ राइट्स इन सेकुलराइजेशन, तो हमें ये भी बताना है और ये भी बताना है, ठीक है? इस तरीके से आपको जो दो टॉपिक्स दिए गए हैं दोनों को डिफाइन करना है, ओके? कि ऐसा है तो ऐसा भी है, ठीक है ना? नाउ द कास्ट इन सेक्युलराइजेशन. इन ट्रेडिशनल इंडिया कास्ट सिस्टम ऑपरेटेड विद इन द रिलीजियस फ्रेमवर्क. यू ऑल नो, है ना, कि जो कास्ट सिस्टम था वो टोटली डिपेंड करता था रिलीजियस फ्रेमवर्क पे. कैसे डिपेंड करता था? हमारे जो फोर वर्णास थे उसकी स्टोरी आपको मालूम ही है कि ब्रह्मा के मुंह से किसका जन्म हुआ था? ब्राह्मण्स का, उनके हैंड से क्षत्रिय का, और उनके स्टमक से वैश्य का, और उनके पैरों से शूद्रों का जन्म माना जाता है ना. तो ये पूरा जो फ्रेमवर्क था कास्ट को लेकर वो रिलीजियस था, है ना. कहा था कि ये ही कह सकते हैं कि जो गॉड है, उन्होंने, भगवान है, उन्होंने इसी तरीके से डिवाइड किया है सोसाइटी को, ठीक है. बिलीफ सिस्टम ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन वर सेंट्रल ऑफ इट्स प्रैक्टिस. और ये प्योरिटी और पोल्यूशन का जो सिस्टम है वो सेंटर में था इसके, किसके? कास्ट सिस्टम के. और क्या है प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट? कि अपर कास्ट है तो प्योर है, और लोअर कास्ट है तो पोल्यूटेड है. यानी कि अपर से लो आते आते पोल्यूशन आता जाता है कास्ट में, ठीक है ना. India has seen such formation of caste association and caste-based political parties. और इंडिया में इसी तरीके का कास्ट फॉर्मेशन पाया जाता है और उसी पे बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड होती हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी कह सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टी कौन सी, RJD, है ना. बहुत सारी ये पार्टीज ऐसी हैं जो कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं, है ना. पर्टिकुलरली जिनको हम कह सकते हैं कास्ट बेस्ड पार्टियां ही हैं,
और उनका क्या वो होता है, मकसद होता है, दे सीम टू प्रेस अपॉन टू स्टेट देयर डिमांड्स, और वो स्टेट पे अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रेशर डालते हैं, है ना, जो जो रिलेटेड होते हैं उस पर्टिकुलर कास्ट से, है ना, कि जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, दलितों के लिए आप ये कीजिए वो कीजिए, इस तरीके से वो जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है वो अपनी जो उनके एजेंडा होता है पर उन पार्टीज का वो उसमें उसको पूरा करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर कर डालते हैं, ठीक है। सच अ चेंज रोल ऑफ कास्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। और हम कह सकते हैं कि आफ्टर सेकुलराइजेशन जो एक रोल था कास्ट सिस्टम का इन सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी, वो चेंज होने लगा, है ना। That traditional social system in India was organized around caste structure and caste identities. In traditional India, जो society थी वो किससे organized थी, caste system से, caste based society थी हमारी, caste based हमें किस चीज से जाना जाता था कि आप किस caste से belong करते हो, है ना, आपकी identity depend करती थी आपकी caste पे, अगर आप upper caste से belong करते हो तो आपकी स्थिति कैसी थी society में, अच्छी स्थिति होती थी, अच्छी आपका स्टेटस होता था, और अगर आपकी कास्ट लोअर कास्ट है तो आपका स्टेटस अच्छा नहीं होता था, तो आपको किस चीज से जाना जाता था, कास्ट आइडेंटिटी से सोसाइटी में, है ना। एंड ट्रेडिशनल इंडिया इन डीलिंग विद द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, हाउएवर द डॉक्ट्राइन मॉडर्नाइजर सफर्स फ्रॉम अ सीरियस ज़ेनोफोबिया। और रिलेशन कास्ट और पॉलिटिक्स के रिलेशनशिप में हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्नाइजर्स थे उनको भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा इस चीज को लेकर, किस चीज को लेकर, कास्ट आइडेंटिटीज को, कास्ट सिस्टम को लेकर इंडिया में उनको, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो बाहर के लोग हैं उनसे ज़ेनोफोबिया होता है, जो बाहर के लोग होते हैं उनसे जो डर होता है उसको बोलते हैं ज़ेनोफोबिया, यानी कि जो हमारे कास्ट सिस्टम में क्या है, कास्ट सिस्टम ये यही है कि अपनी कास्ट के ही में ही वही क्राइटेरिया है, वहीं तक चलना है आपको, है ना, एक क्राइटेरिया हर कास्ट का पर्टिकुलर था, तो वहां से बाहर के लोगों पर बिलीव करना, उनको अपनी चीजों को सौंप देना उनके लिए मुश्किल था, तो जो मॉडर्नाइजर थे उनके लिए भी ये काफी कह सकते हैं कि स्ट्रगल भरा रहा चीजों को चेंज करना, ठीक है, वो हम कह सकते हैं जो रिफॉर्मर्स टाइप है ना थे, उनके लिए भी कास्ट सिस्टम को चेंज करना काफी मुश्किल भरा रहा, ठीक है ना। पॉलिटिशियंस मोबिलाइज कास्ट ग्रुपिंग्स एंड आइडेंटिटीज इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज देयर पावर, वेयर देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड अदर बेसिस ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटिशियंस अप्रोच देम एज वेल, एंड एज दे एवरीवेयर चेंज द फॉर्म ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, दे चेंज द फॉर्म ऑफ कास्ट एज वेल। कह सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मोबिलाइज करते हैं अपने अपने ग्रुप को, कास्ट वाइज अपने अपने ग्रुप को मोबिलाइज करते हैं, एक साथ लाते हैं किस चीज के लिए, पॉलिटिक्स बेनिफिट्स लेने के लिए, है ना, और जो अपने अपनी कास्ट को साथ में लाकर उनकी पावर को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को पूरा करने के लिए उनको यूज करते हैं, और इस तरीके से वो हर जगह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेंज करते हैं, और ऐसे ही कास्ट सिस्टम में भी हम कह सकते हैं चेंज आता जाता है, जैसे जैसे इम्पैक्ट पड़ता है किस चीज का, सेकुलराइजेशन पे, सेकुलराइजेशन की वजह से कास्ट सिस्टम से क्या चीज निकल गई है, रिलीजियस पे, जो रिलीजियस बिलीव्स थे वो हट चुके हैं, प्योरिटी और पोल्यूशन वाले जो बिलीव्स थे वो जा चुके हैं, और क्या अब कास्ट, जो कास्ट ज्यादातर यूज किस चीज के लिए होती है, अपने बेनिफिट्स को फुलफिल करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको जो बनाई गई है कुछ पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, जो गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, तो उनका बेनिफिट्स लेने के लिए हम कह सकते हैं कि अब जो कास्ट है उसको यूज किया जाता है, जो हमारा कास्ट आइडेंटिटी है उसको यूज किया जाता है। Now the gender and Sanskritization. Sanskritization supports traditional way of life for women and it is more liberal for modernization or westernization for men. What is Sanskritization? You know very well, है ना? What is Sanskritization?
इट इज अ प्रोसेस इन विच आर लोअर कास्ट फॉलो द रिचुअल्स ऑफ एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द अपर कास्ट, है ना, दैट इज संस्कृताइजेशन। और इसमें क्या है, संस्कृताइजेशन भी किस चीज को सपोर्ट करता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ फॉर वुमन, वुमन के लिए ट्रेडिशनल वे को, क्योंकि अपर कास्ट को फॉलो कर रही है जब लोअर कास्ट, जो अपर कास्ट है वो ट्रेडिशनल वे को फॉलो करती है, तो दैट्स वाई ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ फॉर वुमन, वुमन के लिए ट्रेडिशनल वे को सपोर्ट करता है क्या, संस्कृताइजेशन। और जो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन है वो किसके लिए ज्यादा लिबरल है, मैन के लिए ज्यादा लिबरल है ना। मोस्ट ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ संस्कृताइजेशन सपोर्ट द वुमन लाइफ विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउसेस। जो संस्कृताइजेशन के सपोर्टर्स हैं वो किस चीज में बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो वुमन की लाइफ है वो घर की जो चार दीवारियां हैं बस वहीं तक सीमित है, उनको उसमें ही रहना चाहिए, वही उनकी सेफ्टी के लिए उनके लिए अच्छा है, ठीक है ना। दे सपोर्ट और प्रेफर द रोल ऑफ वुमन एज अ मदर, अ सिस्टर एंड डॉटर। और वो किस चीज को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जो वुमन है उनके लिए बस यही रोल बनाए गए, स्टीरियोटाइप रोल बताए थे ना मैंने आपको, तो वही स्टीरियोटाइप रोल बताए गए हैं कि मदर, सिस्टर और डॉटर के रूप में ही उनको अपने घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और बाहर जाके जॉब वगैरह करना बेकार है उनके लिए, ठीक है। दे लाइक वुमन टू फॉलो द ट्रेडिशनल वे ऑफ मैरिज विद द कॉन्सेंट ऑफ पेरेंट्स। और वो क्या बिलीव करते थे, वो ये भी बिलीव करते थे कि जो मैरिज है वो भी किसके अकॉर्डिंग की जाए, जो जैसे पेरेंट्स जहाँ पे कर देते हैं वहीं पे जो वुमन है उनको मैरिज भी वहीं पे करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दियर पेरेंट्स, है ना। उनको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का भी कोई उन्होंने लिबर्टी नहीं दी हुई थी, जो कि कौन थे, संस्कृताइजेशन को मानने वाले थे। तो ये हम कह सकते हैं कि संस्कृताइजेशन में जो जेंडर इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं वो, है ना, वहां पे जो वुमन की जो स्थिति थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी संस्कृताइजेशन में, क्योंकि वो संस्कृताइजेशन में क्या है, अपर कास्ट को फॉलो कर रही है लोअर कास्ट, और अपर कास्ट किस चीज का वो थी, ट्रेडिशनैलिटी को, ट्रेडिशनैलिटी मान ट्रेडिशन में जो को ज्यादा फॉलो करती थी, है ना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशंस आर नॉट अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। आफ्टर सेक्युलराइजेशन इन इंडिया ऑक्यूपेशन आर नॉट अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। इससे पहले क्या होता था कि ऑक्यूपेशन अटैच थे किसके साथ, कास्ट के साथ, हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसी के साथ ऑक्यूपेशन अटैच हुआ करते थे कि जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन हुआ करता था जिसको वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा किस चीज का, सेक्युलराइजेशन का, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी ऑक्यूपेशन को लेकर कि कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड ही है, है ना, या फिर उससे रिलेटेड पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है, ये जो ऑक्यूपेशन है ये जो कह सकते हैं हम ये लोअर कास्ट के लोग ही इसको करेंगे और कोई नहीं करेगा, वो चीज ये खत्म होने लगी, है ना। द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अ प्रोफेशन हैज चेंज जस्ट एज अदर थिंग्स हैव चेंज इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल एंड मैरिज एक्सेट्रा। जो क्राइटेरिया था चूज करने का, क्या प्रोफेशन को चूज करने का जो क्राइटेरिया था वो भी चेंज होने लगा, जैसे कि और चीजें चेंज होने लगी थी लाइफ में, जैसे कि मैरिज कैसी थी कास्ट सिस्टम में, एंडोगेमिस, है ना, कि अपने ही कास्ट के अंदर मैरिज करनी है ना, तो लेकिन धीरे धीरे वो भी चेंज होने लगी, जैसे कि ये और चीजें चेंज होने लगी ऐसे ही ऑक्यूपेशन से जो रिलेटेड कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगी, है ना। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ ऑन रिलीजन डोमेन, इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर आवर्स डूइंग वर्शिप नाउ पीपल से देयर प्रेयर्स व्हाइल डूइंग अदर जॉब्स। रिलीजियस एक्टिविटीज कैसे चेंज होने लगी, देखो कि लोग बहुत बहुत देर तक बैठ के पूजा करने की अपेक्षा
वो भगवान से प्रेयर करने लगे जब वो अदर और काम कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ ही वो प्रेयर भी करने लगे, क्योंकि लोगों ने एक लिंक अप बिठा लिया। वो कहने लगे कि जरूरी नहीं है एक जगह बैठकर बहुत देर तक भगवान की पूजा की जाए, है ना, आप दूसरे काम करते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिलीजियस प्लेसेस दे कैन लिसन और लिसन टू रिलीजियस डिस्कोर्सेस इन ऑन द टेलीविजन चैनल्स। और जो धार्मिक स्थल हैं उन पर जाने की अपेक्षा लोग जो रिलीजियस कह सकते हैं हम कि चीजों को सुनने लगे कहाँ पर, टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं ना, आस्था चैनल है हमारे, संस्कार टीवी है, और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर जो भगवान के बारे में बताए बातें की जाती हैं, बताया जाता है, बहुत सारे जो गुरु हैं महात्मा है उनके प्रवचन चलते रहते हैं, तो वो सब कहाँ पे सुनने लगे लोग, टेलीविजन पे सुनने लगे रिलीजियस प्लेसेस पे जाने की अपेक्षा, है ना। इंस्टेड ऑफ giving aims of pundits and priests, they prefer to donate money to charitable institution that are doing social welfare work, है ना। इसमें क्या था कि लोग पंडितों को पैसे देने की अपेक्षा, उनको दान दक्षिणा देने की अपेक्षा डोनेट करने लगे मनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, जहां उनको लगा कि भाई हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, जैसे कि ऑर्फन होम होते हैं और, है ना, और क्या है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीब लोगों के लिए काम करती हैं, है ना, तो वहां पे पैसे डोनेट करने लगे लोग, किस चीज की अपेक्षा, जो पंडित वगैरह हैं उनको देने की अपेक्षा लोग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में डोनेट करने लगे अपने पैसे को, जिससे कि उनको लगने लगा कि ये हमारी सोसाइटी के जो वेलफेयर है उसके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो ये इम्पैक्ट था किसका, सेकुलराइजेशन का इंडिया पे। और क्या क्या इम्पैक्ट थे, देयर इज इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी रिलीजन, है ना, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, सभी सर्वधर्म संभाव की भावना जिसको हम कह सकते हैं वो आई आफ्टर सेकुलराइजेशन। और द सिटीजन ऑफ मॉडर्न फैमिली आर सेकुलर, जो मॉडर्न फैमिली अगर रिलीजियस हम कह सकते हैं रिलीजन इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, कैसे रिलीजन इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, अगर रिलीजन इन्फ्लुएंस है तो ज्वाइंट फैमिली है, अगर रिलीजन इन्फ्लुएंस कम हो रहा है इट मीन्स मॉडर्न फैमिलीज आ रही है ना, मॉडर्न फैमिलीज में सेकुलराइजेशन पाया जाता है, सेकुलर है मॉडर्न फैमिली ज्यादा, है ना। और क्या है, मैरिजेज हैज मेड अ सिविल कॉन्टेक्ट, है ना, रादर देन बीइंग अ रिलीजियस सेक्रामेंट। मैरिजेज में क्या है, सिविल कॉन्टेक्ट हो गया है, ज्यादा हम मानते थे मैरिज को एक हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, मैरिज को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, एक धार्मिक रिचुअल मानी जाती है मैरिज को, लेकिन अब वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्यों, क्योंकि रिलीजियस हम कह सकते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटीज को वो इनफॉर्मल है, रिलीजियस जो एक्टिविटीज है वो इनफॉर्मल है, सोशल कंट्रोल का एक इनफॉर्मल एजेंसी है ना, लेकिन और उसको मानना ना मानना किस पे डिपेंड करता है, जो लोग होते हैं, है ना, इंडिविजुअल्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से जो मैरिजेस थी वो भी सिविल कॉन्टेक्ट में आ गई, है ना, कि आपको ये करना ही है, इम्पोज कर दिया है, ये अब ये एक फॉर्मल वो बन गया, कह सकते हैं हम सोशल कंट्रोल की एजेंसी एक फॉर्मल बन गई, जिससे कि इसको लोगों को फॉलो करना ही है, है ना, उसको आप अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते, है ना, उसके लिए अगर आपको उसको उससे छुटकारा पाना है या उससे अलग होना है तो आपको कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जो कि लॉ से रिलेटेड है ना, कि अगर आपको मैरिज से बाहर निकलना है तो आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना। द एजुकेटेड यूथ ट्राइज टू फाइंड आउट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, है ना, सेकुलराइजेशन में क्या होने लगा, जो एजुकेटेड यूथ था वो क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने लगा सब चीजों की, कि ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं है, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिकली टेक्नोलॉजीज आने के बाद, साइंटिफिक इन्वेंशन के बाद हमें लगने लगी कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, है ना, है ना। और उसके बाद फाइनली इट हैज इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ लिबर्टी और इक्वेलिटी, है ना, इक्वेलिटी और लिबर्टी का को भी इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, सेकुलराइजेशन की वजह से हम लोगों को वो लगने लगा कि लिबर्टी भी जरूरी है, इक्वेलिटी, है ना, सबके साथ इस सब तरीके एक ही जैसा व्यवहार होना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का हक है ना, ये भी बात सेकुलराइजेशन का ही इम्पैक्ट है इंडिया में। और नाउ इंडियन सोसाइटी मोर ओपन नाउ, है ना, अब जो हम कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी है वो
पहले से ज्यादा खुली हुई है ना। पहले क्या था, सब चीजें बेस्ड थी किस पे, कास्ट बेस्ड। और कास्ट क्या था, एक कास्ट इज अ क्लोज क्लास। किसने कहा ये, मजूमदार ने कहा, क्लोज थी। आपको सब कुछ, सारा क्राइटेरिया आपका कास्ट के अंदर ही है, आपको यही इतना ही चलना है बस, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, वो था। तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है ना, बिकॉज ऑफ सेकुलराइजेशन। ये सब कुछ इम्पैक्ट किसका था, सेकुलराइजेशन का था इंडिया पे, ठीक है। तो बच्चों आप ये सब रिवाइज कर लेना एक बार, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी आई एम हियर फॉर यू, यू कैन कॉल मी, ओके। सो द लेक्चर इज ओवर नाउ, बाय बाय, जय हिंद।